Hey guys, welcome to my channel once again. It's Trusty Wonders and this is Tanmay. So, अभी सुबह के 6 बजा है, लेकिन वो एक ही सिचुएशन है कि आज पेलिंग में हम लोग कल रात रुक गए थे, आपको तो लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन वो जो व्यू ऑफ कमाईटी कांचनजंगा वो फिर भी पार्शियल है बिकॉज ऑफ क्लाउड. चलिए देखते हैं बाहर जाकर. तो ये बाहर की तरफ मैं आ गया, तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि जो इस साइड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कांचनजंगा है. जस्ट अ मिनट. सो आपको यहाँ से शायद दिखाई दे रहा है जो स्नो कैप टॉप है वही माउंट कांचनजंगा है. आप देखिए तो जो भी है एट लास्ट थोड़ा सा दिखाई दिया. मतलब लग तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा दिखाई दिए तो देखता हूँ एटलीस्ट. मतलब और थोड़ा सा वेदर अगर सही हो जाए तो पीलिंग से जब निकलेंगे तब थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे. अगर आज नहीं दिखाई दी तो फिर कभी दूसरे जगह से, और उसके बाद तो हमें रा बंगला के लिए पहुँचना है. सो आपको हमारे रूम से जो व्यू है कांचनजंगा वो दिखाते हैं. तो देखिए चलिए, ये माउंटेन व्यू काउंटेन का व्यू है. का पेलिंग का सबसे सुंदर नज़ारा, अगर आप नवंबर के टाइम में आए तो इससे भी बहुत अच्छा सुंदर मतलब कांचनजंगा आप देख पाएंगे. हम लोग फ्रेश होते होते अगर ये पूरा निकल जाए तब तो अच्छा ही है, वरना आज लेट नहीं कर सकते, राबांगला के लिए निकल जाएंगे. ओके सो चलिए बने रहिए वीडियो में. सो गाइस यहाँ पर आप ये जो मोनास्ट्री है तो ये पेमेंट से मोनास्ट्री है. अच्छा अच्छा, तो आपको ये टिकट मिलेगा, तो आपको टिकट लेकर ऊपर जाना है. पर पर्सन 20 रुपीज़ टिकट मिलता है, ठीक है, तो इस हिसाब से. और पार्किंग के लिए भी 10 रुपीज़ करके आपको देना पड़ता है, मतलब बाइक के लिए 10 रुपीज़ है. ओके चलिए, थैंक यू थैंक यू. सो एक्चुअली हम सोचे थे कि डायरेक्ट हम लोग नामची ना उतर जाएंगे, लेकिन बीच में ये मोनेस्ट्री आते हैं और यहाँ पर जो लोकल साइट सीइंग में भी ये आता है. Thank you.
ब्रूड सामने वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं। विजिट ये है रबडन से साइट ऑफ एंशियंट कैपिटल ऑफ सिक्किम। सो ये जगह हमें जाना है अभी, तो चलिए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी काम चल रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है टुनकु बार्ड पार्क रबडन से गेजिंग वेस्ट सिक्किम। सो अभी आप लोग आए अगर तो आप बार्ड पार्क नहीं दे सकते क्योंकि उसमें काम चल रहा है, तो एक महीने बाद आप लोग के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। तो हम लोग अभी सीधा जा रहे हैं। यहाँ पर है सोनामचू, क्या लिखा हुआ है इस बोर्ड में थोड़ा देखते हैं। सो इट इज बिलीव दैट द मॉन्ग्स फ्रॉम पेमेंगसे मोनास्ट्री द प्रीमियर मोनास्ट्री ऑफ सिक्किम जो कि है वुड ऑफन देयर ईयरली पूजास एट दफलंगन। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से पानी लेके वो पूजा करते हैं ना। थोड़ा जाते यहाँ से जो इस पानी को पवित्र माना जाता है, तो यहाँ पर लिखा तो वही है। तो ये जो है जगह आप देखिए, तो ये पूरा जगह यहाँ से पानी लेके जो मेन जो मॉन्क थे तो उन्होंने यहाँ से पानी लेके वो पूजा करते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है। सो हमने लास्ट मोनेस्ट्री जो आपने देखा उसमें जो पूजा होता है तो इस जगह से पानी लेके होता है। अच्छा बना हुआ है यहाँ पर देखिए, जागुआर और भालू और अन्य भालू। तो यहाँ पर शायद ये भी किसी कारण मतलब चलते हुए ही बना हुआ होगा। यहाँ पर देखिए हर जगह पे कुछ पोस्टर दिया गया है बर्ड्स के नाम पर, मतलब इस तरीके बर्ड्स ये मिलते हैं। ये है रीप्स विजिट। तो यहाँ पर देखिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो बर्ड्स नेम इज गिवन गोल्डन फिजेंट। तो यहाँ पर ये बर्ड्स मिलता है। तो वे टू रबडन पैलेस, ये पैलेस देखने जाना है। बर्ड पैराडाइज है, थोड़ा सा चल क्लोज 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 है अभी, फिर भी थोड़ा से देखेंगे। वे टू रबडन से पैलेस आपको 700-800 मीटर चलना पड़ेगा। 700-800 मीटर चलने के बाद आपको वो पैलेस मिलेगा। तो फिर देखिए सुंदर सा नेट लगाया गया, शायद पर्पस यही है कि बाहर से बहुत सुंदर है। और ये फॉरेस्ट, ये जो रास्ता है रबडन से पैलेस, यार तो भेतरे ऐसे होता थाकर की दरकार छिल। एक्चुअली कोयली पूछा कि इतना अंदर रहने की क्या जरूरत है। अरे भाई सिंपल है कि शत्रु आके कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए नो पॉलीथीन जोन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पॉलीथीन मत यूज कीजिए। यहाँ पर भी एक रास्ता गया है शायद वो ऊपर का व्यू के लिए। तो यहाँ पर देखिए रबडन, सॉरी रबडन से साइट ऑफ एंशियंट कैपिटल ऑफ सिक्किम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। यहाँ पर ना अगर आप आए, अगर टाइम लेके आए ना, चुपचाप कैमरा लेके आ जाइए, तो बहुत सारे बर्ड्स है। शायद आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है कि इतना मूवमेंट चल के बात करके जाना हो, थोड़ा ही ना बर्ड्स आपके सामने आएगा, सुनाई दे रहा है, तो बर्ड्स का आवाज़ भी सुनाई दे रहा है। ये नीचे से हम आए तो सुबह सुबह हमें चलना पड़ रहा है, तो मॉर्निंग वॉक भी हो जा रहा है। बर्ड्स का आवाज आप सुन रहे हैं बहुत है ना, ये ऊपर ऊपर में जो पेड़ दिख रहा है ना इसमें है। तो ये रास्ता देखिए आप, आपको चढ़ना पड़ेगा, इतना दूर है पता नहीं, चल तो पड़े थे, चलिए उधर पहुंच के लेते हैं, वरना ये कैमरा पकड़ने के बाद बैग हाथ में लेके पॉसिबल नहीं। मैं तो यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे चलते चलते बहुत ऊपर हटना पड़ता है, बहुत ही मतलब दम निकल जा रहा है। देखिए कोहली कैसे, वो देखिए उसका दम निकल गया है, यही है।
कोई है घर पे, कोई है यहाँ पर? देखिए जैसे विश, ये ये क्या काम करता है, विश चुप के रहना पड़ता था। भगवान ही जाने, ए हम लोग को ले वो है, ये विश मांगते हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी पत्थर है इसको देखिए, हर जगह पे एक एक डिफाइंड से, यहाँ से देखिए 200 मीटर, मुझे पता नहीं शायद इन लोगों का मीटर का हिसाब नहीं आता है, वरना इतना चढ़ाई करना पड़ रहा है। नहीं ऑब्वियसली 200 मीटर ही है, लेकिन हिली एरिया में 200 मीटर ऊपर उठना या 100 मीटर बहुत टफ है। एनीवे चलते चलते तो सुबह सुबह कुछ नहीं खाया, चलने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि चलो एक आर्किटेक्चरल काम है हमारे देश का, मतलब हम लोग के जो कल्चर ट्रेडिशन अगर यही ना देखे इतना तो क्या होता है, क्योंकि जो भी होता है वो टाउनशिप वट एवर, सो ये सब अभी का बना हुआ, लेकिन पुराने जो कल्चर्स है वो भी देखने को मिलते हैं। तो पत्थर जो है यहाँ पर बहुत ही स्लिपरी है, आप देखिए जो वॉल है, देखिए ना एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ का जो वॉल का साइज देखिए, ये है वॉल का साइज कितना चौड़ा होता है, मतलब इससे तो हम लोग के जो घर का नॉर्मल वॉल होता है चार वॉल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोटेक्शन नोटिस बोर्ड दिया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, दिस मोनूमेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1950 एज मेंशन बाय द। अच्छा जो भी है, मतलब यहाँ पर अगर कोई भी आप गलत काम करता है या फिर किसी को भी मतलब चीजों को भी आप खराब करते हैं तो आपको पनिशेबल ऑफेंस है। हमें और भी जगह जाना है, तो वहाँ पर जो डिटेल्स लिखा है वो मैं बाद में पढ़ के आपको सुनाऊंगा कि वहाँ पे चढ़ाई करना पड़ेगा, वही तो दिख रहा है मुझे। खराब नहीं लग रहा है, पहले लग रहा था चलने में बहुत ही, तो ये पत्थर जो है बहुत स्लिपरी है, बहुत ही मुझे तो चलने में दिक्कत हो रहा है। पहले इसमें चढ़ के देखते हैं, नोटिस है वहाँ पर देखे नो पॉलिथीन जोन। ये रहा वो आर्किटेक्चरल व्यू उस समय का, रास्ता था उधर से आने के बाद ये जगह की, वाव यहाँ पे देखिए फूल के पेड़, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या व्यू है, क्या नजारा है सच में। तो ये है पैलेस, उस साइड में भी जाना है, जाएंगे। हाँ पैलेस एरिया विथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अच्छा तो ये वर्शिप का जगह है, चलिए चल के देखते हैं। नजारा है रियली, फील द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। एक्चुअली वेदर कंडीशन के कारण, ओह क्या व्यू है, वाव व्हाट ए व्यू। आपको दिखाता हूं यहां से शायद कांचनजंगा जो दिखता होगा, अभी तो क्लाउड्स के कारण नहीं दिखाई दे रहा है, पर नो इट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन कितना सुंदर लग रहा है इस जगह पे। तो ये है वो जगह, आप जस्ट देखते रहिए, ये जगह पे अगर नहीं रुकते तो मिस होते थे। और सबसे अच्छा क्या बोली तो कोई टूरिस्ट नहीं है, अभी हम लोग ही है, तो अर्ली अर्ली निकलिए, मतलब जितना जल्दी हो सके आप निकलिए, तब जाके आपको इतना सुंदर सा जगह मिल सकता है। वाह इट्स मार्वेलस, बहुत ही अच्छा। देखिए ना यहाँ से हिल का लुक देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है आप जरूर आइए। तो यहाँ पर अगर आप सोच लीजिए कि यहाँ पर एक पैलेस है, यहाँ पर गार्ड्स खड़ा है, तो आप देखिए यह नीचे का व्यू, पूरा नीचे खाई है, मतलब उधर से कोई आ रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, वो रास्ता दिखाई दे रहा है, वो पूरा सा जो एरियाज है वो दिखाई दे रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि टॉप में है, जस्ट यू नो बियॉन्ड इमेजिनेशन। हम लोग उस मोनेस्ट्री से आए, वहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि पता नहीं, वहां पर एक मोनेस्ट्री है,
वो वाला उधर से हम लोग आए। क्या लग रहा है, व्हाट यू आर फीलिंग इससे पूछते। अरे अमेजिंग, थोड़ा सा हालत खराब होगा पर आइएगा, किलोमीटर लेकिन आइएगा जरूर। यहाँ पर ज्यादा लोग क्यों नहीं आते मुझे पता नहीं, मतलब आप आएंगे तो इस जगह पे आइए, सिर्फ वो बर्ड वॉच करके मत जाइए, ये जो पैलेस है इस पैलेस को देखकर जाइएगा। रबदान स्टे, इसका नाम बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब उस साइड में आपको दिखाता हूँ। तो देखिए वो जो पार्ट है ये वर्शिप पार्ट है, और वो वाला पार्ट दूसरा होगा, तो उसमें भी हम लेके जाएंगे आपको। तो यहाँ से व्यू देखिए, इस कोने का व्यू देखिए, वाह पूरा ये साइड देखिए आप। तो ये वाला साइट हो गया अभी, तो अभी हम लोग देखिए कहाँ पे थे, ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप इस जगह पे थे, और वो जो जगह है वहाँ पर देखते क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी तो नज़ारा है देखिए, लेकिन पूरा अब जो बादल आके पूरा छा चुका है। देखिए यहाँ पर कुछ थ्री स्ट्रक्चर जैसा है, मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप, तो उस साइड में भी है, चले जाते देखते। तो ये जो जगह है ये एक मतलब एक रूम के जैसा है, देखिए पूरा एक रूम है, तो पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या है। चलिए सामने जाते कुछ तो कुकर मतलब मन हो लो हो सकता है, तो एक बार देख लेते कि सामने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बोर्ड तो हो गई। चलिए देखते, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इन द प्लेस एरिया विथ रूम वॉल्स। अच्छा अच्छा, ये रहने का जगह है, वो बोला था वो रूम जैसा लग रहा है। तो अब देखिए जितने भी स्ट्रक्चर बनाया गया यहाँ पर ना, ये जो वॉल है वॉल का देखिए, अभी अगर मॉडर्न डे मिसाइल भी फेंक दीजिए तब भी ये फोड़ के नहीं निकलेगा, कितना बड़ा ये देखिए। बेड चिलो एटा डे बेड, दिस इज बेड, तो पता नहीं ये बेड है या क्या है, पर ये मतलब एंशियंट टाइम का, लेकिन एंशियंट लग रहा है नहीं ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ प्लान। यहाँ पे देखिए पैसेज भी है, चलिए जाते। तो ये तो है मतलब क्या बोलूं, रिमेनिंग पार्ट से तो इसके ऊपर का पार्ट शायद खराब हो चुका है, रेनोवेट कर से माने है, नहीं कोनो रेनोवेट कोई नहीं। इधर कोई पत्थर छिला, तो यहाँ पर देखिए सामने से आपको इटा बालकनी छिलो इटा, क्या मस्त वाला व्यू मिलता होगा ना राजा को। तो शायद इस साइड से भी वॉल था, लेकिन अभी ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, अभी यहाँ से रेलिंग लगा गया है, तो हम लोग के लिए बालकनी व्यू जैसा लग रहा है। लेकिन तो यहाँ पर स्कल्पचर शेड है, रबडेन साइट ऑफ एंशियंट कैपिटल ऑफ सिक्किम, लेकिन यहाँ पर बंद है। चलो थोड़ा सा यहाँ पर चक्कर काट के देख लेते, अभी तो बंद है, वी कैन नॉट गो। ये बंद है ना भैया, बंद है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ ओ कोविड के कारण से बंद है ना, चलिए ये बंद है, एक चक्कर काट के चले जाते। हाँ तो ये है जहाँ पे स्कल्पचर कुछ था शायद, तो बंद है, यहाँ पर देखिए ताला लगा हुआ है। चलिए अब निकल पड़ते। तो ये जो साइट है मतलब रबदन से पैलेस का, तो बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को भी कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड चलिए अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन नामची चारधाम में जाना है, बने रहिए हमारे साथ इस वर्चुअल जर्नी में।